हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले हैं आधार कार्ड में जो बदलाव हुआ है, इसी बदलाव के अनुसार अब जब भी आप आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपके आधार कार्ड में अब क्या क्या नया मिलने वाला है। फ्रेंड्स इसी सब के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स अब जब भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसके ऑफिशियल साइट uidai.gov.in पे आते हैं। अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए माय आधार वाले सेक्शन में जस्ट नीचे आएंगे तो डाउनलोड आधार बटन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पे आपको आधार डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स यहां पे आपको आपके पास यदि आधार कार्ड है तो आधार नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड का कोई स्लिप है तो आप EID नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपके पास वर्चुअल आईडी कार्ड है तो वर्चुअल आईडी कार्ड के जरिए भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर या फिर इनरोलमेंट आईडी नंबर या फिर वर्चुअल आईडी नंबर तीनों में से कोई एक को डाल देना है और उसके बाद इस कैप्चे को यहाँ पे डाल देना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही इन सभी चीज़ों को डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा, फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे रजिस्टर मोबाइल पर OTP सेंड कर दिया गया है और जो हमारे मोबाइल पे OTP आया है उसे हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा क्वेरी हमसे पूछा जा रहा है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आधार कार्ड बनवाने वक्त, तो फ्रेंड्स उनके कुछ सवालों का जवाब आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपका जो मर्जी है वो जवाब दे दीजिए। तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लिए, 10 से 15 डे सेलेक्ट कर लिए और वेरीफाइड एंड डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाइड एंड डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और उसमें देखेंगे आपको बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अब हो किया गया है कि आधार कार्ड के ऊपर यहाँ पे तिरंगे के झंडे के अनुसार यहाँ पे कलर डेकोरेशन किया गया है और यहाँ पे अशोक चक्र भी दिखाया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे जिस दिन भी आप आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे उस दिन का डेट यहाँ पे शो होगा, साथ ही जिस दिन भी आप आधार कार्ड बनवाए हैं उस दिन का डेट यहाँ पे शो हो जाएगा। एक बड़ा सा यहाँ पे आपको QR कोड देखने को मिलेगा और नीचे में फ्रेंड्स आते हैं तो यहाँ पे आपको अब बड़ा सा फोटो देखने को मिलेगा। फ़ॉन्ट साइज में जो यहाँ पे QR कोड होता था उसे यहाँ से हटा दिया गया है। अब QR कोड आपको इस साइड यानी बैक साइड में देखने को मिलेगा और QR कोड का साइज काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स फिर से यहाँ पे आप जिस दिन भी आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे उस दिन का डेट यहाँ पे शो हो जाएगा और जिस दिन भी आप आधार कार्ड बनवाए होंगे फ्रेंड्स उस दिन का डेट यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका आधार नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे शो हो जाता है, वर्चुअल आईडी कार्ड जस्ट आधार नंबर के नीचे शो हो जाता है और फ्रेंड्स आपका डिटेल यहाँ पे शो होता है जबकि आपके एड्रेस का सारा डिटेल फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड के बैक साइड में शो हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किया गया है। सभी चीज़ के बारे में फ्रेंड्स आप इस PDF के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस PDF को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिससे आप आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जब भी आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो इसी बदले हुए फॉर्मेट के अनुसार अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।